प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन, और ये 2024 के एग्ज़ाम के एडिशन प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, पूरा देखिएगा डिस्कशन, और जितने भी प्रश्नों की श्रृंखला शामिल की गई है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एडिशंस, यहाँ पर बार बार पूछा जाता है कि हिंदी गद्य की विधा और उसके लेखक, तो कहा जाता है कि कोई दो नाटककार के नाम बताइए, किसी एक नाटककार के नाम बताइए, किसी एक उपन्यासकार के नाम बताइए, एक निबंधकार के नाम बताइए, जीवनी लिखने वाले के नाम बताइए, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोताज हो गया आपका ना, रिपोताज की बात हो गई, उसके साथ साथ फिर क्या होगा जो यहाँ पर डायरी की बात हो गई, भेंट वार्ता हो गया, और पत्र साहित्य हो गया, और एकांकी की बात हो गई, और आलोचना की बात हो गई। ठीक है डिस्टेंस, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये श्रृंखला है आप लोगों के लिए यहाँ पर नाटक के बारे में। देखिए इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सेशन इम्पॉर्टेंट है डिस्टेंस, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। देखिए हिंदी गद्य की विधा के नाटक के बारे में अगर बात किया जाए, तो देखिए नाटककार के रूप में जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाम जो है वो सर्वोपरि लिया जाता है। ठीक है ना, देखिए जयशंकर प्रसाद जी हो गए, मोहन राकेश जी हो गए, ठीक है ना, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए। ठीक है, दो लोगों का नाम आप याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जयशंकर प्रसाद जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, साथ ही मोहन राकेश जी, ठीक है, ये एक ये लोग जो है महत्वपूर्ण जो है नाटककार के रूप में आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उपन्यासकार की बात हो रही है। देखिए उपन्यास के सम्राट के रूप में जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। गबन, गोदान जो ये सब है, इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त इनका उपन्यास है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त उपन्यासकार थे। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे। देखिए जैनेन्द्र कुमार जी हो गए, अज्ञे जी हो गए, अज्ञे जी का पूरा नाम आप लोग जानते ही हैं, सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक, और साथ ही साथ धर्मवीर भारती। तो ये लोग जो है महत्वपूर्ण रूप से जो हो जाएंगे आप सभी लोगों के, क्या ये जो हैं क्या हो जाएंगे, उपन्यासकार के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर निबंधकार के बारे में बात किया जाए। निबंधकार कौन है? देखिए बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा जी हो गई, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हो गए, और साथ ही साथ रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए। ठीक है ना, कौन कौन हो गया डिस्टेंस, ये हो गए आपके बाबू श्याम सुंदर दास जी, महादेवी वर्मा जी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हो गए, और साथ ही साथ रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए। तो ये लोग जो हैं महत्वपूर्ण जो हैं निबंधकार के रूप में हैं। ठीक है ना, महत्वपूर्ण किसके रूप में हो गए, निबंधकार के रूप में। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और देखते हैं निबंधकार के रूप में। देखिए निबंधकार के रूप में, जीवनी के रूप में अगर देखा जाए, तो देखिए जीवनी लिखने के मामले में देखा जाए तो सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, कौन? सुमित्रानंदन पंत जी, और साथ ही साथ काका कालेलकर जो हो गए, और राम वृक्ष बेनपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ये भी आपके हो जाएंगे क्या, जीवनी लिखने के मामले में। ठीक है, चलिए आत्मकथा को देखते हैं हम लोग। आत्मकथा क्या है आप लोगों का? आत्मकथा के रूप में अगर देखा जाए तो वियोगी हरि जी का नाम देखिए लिया जाता है, यशपाल का नाम लिया जाता है, और साथ ही साथ बाबू गुलाब राय जी का नाम लिया जाता है। किसका? बाबू गुलाब राय जी का। तो आत्मकथा के रूप में जो महत्वपूर्ण लेखक कौन है यहाँ पर, देखिए लेखक कौन है, वियोगी हरि जी हो गए, यशपाल जी हो गए, और साथ ही साथ बाबू गुलाब राय जी हो गए। देखिए यात्रा वृत्तांत के रूप में अगर कहा जाए, यात्रा वृत्तांत के रूप में, तो देखिए जो यात्रा वगैरह की जो बात होती है तो उसमें राहुल सांकृत्यायन जी का जो नाम है वो सर्वोपरि लिया जाता है। ठीक है ना, यात्रा वृत्तांत के मतलब यात्रा कहीं करके आए और उसके बारे में अपना व्याख्यान दे दिए। ठीक है ना, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो कौन है, राहुल सांकृत्यायन जी है, और साथ ही साथ देवेंद्र सत्यार्थी जी हैं। कौन कौन है? राहुल शांकृत्यायन और साथ ही साथ देवेंद्र सत्यार्थी जी हो जाएंगे। ठीक है, संस्मरण के रूप में जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए संस्मरण के जो है महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो संस्मरण के कौन कौन हो जाएंगे दो लोग, देखिए श्री राम शर्मा जी हो जाएंगे, और साथ ही साथ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है ना, तो श्री राम शर्मा कन्हैया लाल मिश्र जी जो हो गए वो महत्वपूर्ण संस्मरण के लिए जो है, यानी हिंदी गद्य की जो विधा संस्मरण है इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं। देखिए रेखा चित्र के बारे में अगर हम लोग बात करें, रेखा चित्र के बारे में जो है मुख्य रूप से फेमस है जो विष्णु प्रभाकर जी हैं, और उनके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण रूप से फेमस हैं
विष्णु प्रभाकर जी के साथ साथ डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी और साथ में डॉक्टर नगेंद्र जी, ठीक है ना। देखिए जितने भी गद्य की विधा को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उन सभी में देख लीजिएगा, इनको ज़रूर देख कर जाइएगा। किसी न किसी हिंदी गद्य की विधा को और दो लेखकों को बार बार पूछा जाता है, तो रेखा चित्र के क्या हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर जी और डॉक्टर नगेंद्र जी हो जाएंगे, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिपोताज को देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए रिपोताज में जो है धर्मवीर भारती जी का नाम लिया जाता है और बाल कृष्ण राय जी का लिया जाता है। क्या लिया जाता है? धर्मवीर भारती जी का और साथ ही साथ बाल कृष्ण राय जी का। डायरी के बारे में चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए डायरी जो हिंदी गद्य की विधा है, धीरेन्द्र वर्मा कौन है? धीरेन्द्र वर्मा जी हो गए और शमशेर बहादुर सिंह कौन हो जाएगा? धीरेन्द्र वर्मा जी हो जाएंगे और साथ ही साथ शमशेर बहादुर सिंह जी जो हैं, ये महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो हिंदी गद्य की डायरी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग और देखते हैं भेंटवार्ता को। देखिए भेंटवार्ता में जो है रणबीर सांगा की बात होती है और पदम सिंह शर्मा की बात होती है। किसकी? रणबीर सांगा की बात होती है और पदम सिंह शर्मा की बात होती है ना, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। पत्र साहित्य के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए बैजनाथ सिंह जी हो जाएंगे और हरिवंश राय बच्चन जी हो गए। कौन कौन? बैजनाथ सिंह जी हो जाएंगे और हरिवंश राय बच्चन जी, ये लोग जो हैं हिंदी गद्य की पत्र साहित्य के लिए जाने जाते हैं। एकांकी के लिए अगर देखा जाए देखिए तो भगवती चरण वर्मा कौन कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हो गए और विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है ना। एकांकी के लिए जो है ये लोग महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे और विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। देखिए आलोचना में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आलोचक थे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। देखिए पहले नंबर पर हैं भी, तो आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो नाम है वो सर्वोपरि लिया जाता है। उसके साथ ही साथ देखिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी, देखिए शुक्ल युग का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था और द्विवेदी युग का जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था। तो ये लोग जो है बहुत खास व्यक्ति हैं और इनसे रिलेटेड जो है हमेशा गद्य और पद्य में रिलेटेड प्रश्न जो है, रचनाएँ हो गई, जो भी जीवनी हो गई, जो भी कहानियाँ होंगी, तो कुछ ना कुछ रिलेटेड जो होती है इनसे घटनाएँ जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो ये महत्वपूर्ण रूप से जो है आलोचक के रूप में याद किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था डिवीजन। देखिए पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि हिंदी गद्य की कौन सी विधा है और हिंदी गद्य की इस विधा के जो है अगर नाटककार कौन है, इसमें से बताइए कौन नाटककार हैं, या इनमें से कौन नाटककार नहीं है, इसमें से कौन उपन्यासकार हैं, कौन उपन्यासकार नहीं है, कौन निबंधकार हैं, कौन निबंधकार नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है। डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण था ये वीडियो और डीजे सर चैनल पर जो है आपको हिंदी के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज श्रृंखलाएँ जो बनाई गई है। देखिए प्री बोर्ड के बहुत सारे पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हैं, उन सभी के ऑब्जेक्टिव को देख कर जाइएगा, उसी में से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। उसके अलावा बने बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को ऑलरेडी जो है हल करा रखी है, उस पूरे चैप्टर को, पूरे प्रश्नों की श्रृंखला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जबरदस्त तरीके से पेपर अपना देकर आइएगा। और हिंदी कॉपी कैसे लिखे डिस्टेंस, इस पर भी मैंने आप लोगों को वीडियोस बना रखे हैं, उसको जाकर देख लीजिए और वहां से कुछ आइडियाज आप लोग को मिलेंगे, ठीक है डिस्टेंस। और जबरदस्त तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को दीजिए और निश्चित तौर पर जो है आप अपने पेपर को बेहतर देंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी अलग पहचान जरूर बनाएंगे। आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से निरंतरपूर्वक धन्यवाद इस सेशन को पूरा कंटिन्यू करने के लिए और साथ ही साथ रेडियो साइंस इसे एक काम और कर दीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।